दोस्तों, गर्मियों में 50 से 60 दिनों में पैदा होने वाली फसल उगा सकते हैं हमारे किसान भाई और कमा सकते हैं अच्छी खासी मोटी रकम। जी हाँ दोस्तों, यदि किसान भाई चाहते हैं कि वह 50 से 60 दिनों में कोई सी ऐसी फसल उगाएं जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए और कम पानी की फसल हो, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले समस्या आती है किसान भाइयों के सामने गर्मियों में पानी की। जी हाँ, ज्यादातर 70% किसान भाइयों के पास गर्मियों में पानी उपलब्ध नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो उनके लिए एक बेस्ट सलाह ये दी जाती है कि आप 50 से 60 दिनों में तैयार होने वाली फसल लगाइए अपने खेतों में और कम पानी वाली लगाइए। तो कौन सी है वो फसलें, बताएंगे हम आपके लिए इस वीडियो में। बता दें दोस्तों कि बारिश के बाद कई सारी ऐसी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं, लेकिन बारिश में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो कम ज्यादा बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। इसके बाद स्यारे की, जिसे हम सर्दी की फसल बोलते हैं, वो लगाते हैं, लेकिन सर्दियों के फसलों में हमारे लिए इतना अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए, क्योंकि बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में हर एक किसान भाई एक सेम टू सेम सब्जियां लगाते हैं अपने खेतों में, फसलों को लगाते हैं, जिससे मंडियों में उनके लिए सही दाम नहीं मिल पाते। तो इसके बाद एक और मौसम आता है गर्मियों का। यदि हम गर्मियों में कुछ अच्छा और अलग और कम पानी की फसल बो दें तो उसमें भी फायदा ले सकते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों और सफल किसानों की सलाह के अनुसार माने तो मक्का एक बेस्ट वैरायटी है और एक अच्छी किस्म भी है और एक अच्छी फसल भी है, जिसको हम अपने खेतों में लगाकर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बता दें दोस्तों कि किसान भाई इस समय मक्के की पाइनियर 1844 किस्म की बुवाई कर सकते हैं, जिसमें यह किस्म मक्के की दूसरी किस्मों के मुकाबले कम समय के साथ साथ अच्छी पैदावार भी देती है, जल्दी आ जाती है और कम पानी की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। बात करें दूसरी फसल मूंग की, दोस्तों किसान भाई हमारे सम्राट किस्म की मूंग की बुवाई कर सकते हैं। यह फसल 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसकी पैदावार मिल जाती है। इसमें प्रति बीघे कुल खर्च सिर्फ 400 से 500 रुपए तक ही आता है, क्योंकि बहुत ही कम छटता है मूंग इसमें। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई मूंग की खेती भी कर सकते हैं। बात करें अब उड़द की, तो हमारे किसान भाई उड़द की बंद 4 किस्म की बुवाई इस समय कर सकते हैं। यह 60 से 65 दिन और ज्यादा से ज्यादा 70 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति बीघे 1 से 1.5 क्विंटल तक की पैदावार होती है और प्रति बीघे में हमारा कुल खर्च बोने का कम से कम 500 से 1000 रुपए आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे किसान भाई गर्मियों में ये फसल लगा सकते हैं और इसी के साथ ही मेंथा की भी खेती कर सकते हैं। जी हाँ, मेंथा कम समय में उगने वाली नकदी फसलों में मेंथा भी शामिल है। इस स्थिति में मेंथा किस्म की क्रांति किस्म लगाना किसानों के लिए उचित रहेगा, क्योंकि यह किस्म बाकी प्रजातियों से प्रति हेक्टेयर 10 से 12 फीसदी ज्यादा तेल देती है और सीमेप के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मौसम के छूट पूट और बदलावों के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि कम या ज्यादा बरसात होने पर इसके उपज में अंतर नहीं पड़ेगा और सिम क्रांति प्रजाति से प्रति हेक्टेयर 170 से 220 किलो तेल प्राप्त होगा। एवं बात करें लोबिया की, तो ये फसल भी काफी अच्छी है। हमारे किसान भाई मुख्य फसल धान से पहले अपने खेतों में 60 दिन में तैयार होने वाले लोबिया भी बो सकते हैं। पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय ने ये किस्म हाल ही में विकसित की है, जो कि काफी अच्छा प्रोडक्शन दे रही है किसान भाइयों के लिए, जो समतल इलाकों में खेती के अनुकूल है और आमतौर पर लोबिया की सामान्य किस्मों को तैयार होने में 120 से 125 दिन लग जाते हैं। अल्प अवधि लोबिया की प्रजातियों जैसे पंत लोबिया, एक पंत लोबिया और दो पंत लोबिया और पंत लोबिया 3 की बुवाई 10 अप्रैल तक की जा सकती है। इस किस्म में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो किसान भाइयों के लिए गर्मी में बढ़ने वाली सिंचाई की चिंता नहीं होगी और नई किस्म को 0 टिलेज यानी बिना खेत जोते भी उगाया जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे किसान भाइयों के लिए बेस्ट सलाह ये है कि गर्मियों में इस तरह की आप फसल लगाएंगे तो कम पानी में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसमें अच्छा प्रोडक्शन हो और जो कि हमने यहाँ नहीं बताई हो, तो आप उसे जरूर लगाइए, लेकिन पानी के अकॉर्डिंग लगाइए कि आपके पास पानी की मात्रा कितनी है।
और इसके साथ ही दोस्तों आप किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपकी सेवा करने में सक्षम रहें। और आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी खेती किसानी बिजनेस आइडिया से रिलेटिव लेटेस्ट वीडियो देख पाएं आप सबसे पहले। ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सकें आपके माध्यम से और आपके लिए कुछ अच्छा ला सकें। जय हिंद, जय भारत।